Hey everyone, Kashish Jain this side, all the way from PK Makeup Studio Surat. So first of all, I wanted to tell you that I'm so sorry I was very inactive nowadays because I'm not so well, but I am here with a blast video. और ये वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है क्योंकि ये है वाटरप्रूफ मेकअप, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ज़रूर 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 दबाइएगा. सो इस वीडियो में मैं आपको क्या नया सिखाने वाली हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ. इस वीडियो में आपको मैं वाटरप्रूफ मेकअप सिखाने वाली हूँ, वो भी बिना किसी फाउंडेशन के. मतलब हम सिर्फ और सिर्फ कंसीलर ही यूज़ करने वाले हैं. उसके अलावा मैं आपको सबसे ईजी आई मेकअप टेक्निक सिखाने वाली हूँ जो आप हर तरह की आई शेप पर फॉलो कर सकें. एंड आप लोग डिमांड कर रहे थे कि साड़ी पर आप मेकअप लुक दिखाइए, सो आज का मेकअप लुक होने वाला है साड़ी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन. उसके अलावा आप सब लोग जानते ही होंगे कि मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे जो होता है वो दोनों अलग अलग चीज़ होती है. तो मैं आपको दोनों में क्या डिफरेंस है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. और उसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर राउंड तो करने वाले ही है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे फर्स्ट मैंने फेस क्लीन किया, उसके बाद मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया है. नेक्स्ट मैं अप्लाई करी हूँ नीविया का मॉइस्चराइजर क्योंकि मेरी मॉडल की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है. सो ड्राई स्किन पे आपको थोड़ा सा क्रीमी मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रेप हो जाए और आपका जो मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. उसके बाद मैं यूज़ करी हूँ प्राइमर, और प्राइमर आप देख सकते हो मैंने 3 to 4 ड्रॉप लिया हुआ है. यहाँ पे मेकअप स्टूडियो का प्राइमर मैंने यूज़ किया है और अच्छे से मैं भी इसे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ. सो आपको हर एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाले हैं. मतलब पूरे वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ. एंड आप लोगों ने शायद ही कहीं देखा होगा कि वाटरप्रूफ मेकअप में हम बिना फाउंडेशन के ये मेकअप करने वाले हैं. सो बहुत ही अमेजिंग लुक आने वाला है, सो वेट एंड वॉच. सो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ फेरारुशी का कंसीलर. फेस पे जहाँ पे भी डिस्कलरेशन ज़्यादा है वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि अंडर आइज़ पे आप देख सकते हो. मैं जितने भी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ आपको नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि इस वीडियो में मैंने कितने कंसीलर यूज़ किए होंगे. मतलब आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा. सो फेरारुशी का कंसीलर लगाने के बाद मैंने अच्छे से मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, एंड मेकअप फिक्सर यूज़ करने के बाद मैं उसे अच्छे से स्किन में सेट कर रही हूँ. एंड अच्छे से मैंने कर दिया है सेट, उसको कर रही हूँ मैं डैब डैब डैब. अच्छे से आपको सेट करना है क्योंकि कंसीलर जो होता है वो थोड़ा थिक होता है और उसको सेट होने में टाइम लगता है. यहाँ पे आता है नेक्स्ट कंसीलर जो कि है एल्फ का, एंड इसका शेड है 10 न्यूट्रल. एल्फ कंसीलर का 10 न्यूट्रल शेड मैं यूज़ कर रही हूँ. सो अच्छे से मैंने ऑल ओवर यू नो हाईलाइटिंग एरियाज पे अप्लाई कर दिया है. ये हमारा सेकेंड कंसीलर है. सो मैं सिर्फ हाइलाइटिंग एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, वहाँ पे ज़्यादा मैं अप्लाई कर रही हूँ. और ये वाला जो कंसीलर है वो एग्जिट मॉडल की शेड का है, मतलब उनके जो फेस का शेड है वही सेम शेड मैंने कंसीलर का लगाया हुआ है. यहाँ पे अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर. सो आपको क्या लगता है मैं बार बार मेकअप फिक्सर क्यों यूज़ कर रही हूँ हर स्टेप के बाद, आप लोग कमेंट करके बताइए. मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैं बार बार मेकअप फिक्सर क्यों यूज़ कर रही थी, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फिक्सर में और सेटिंग स्प्रे में क्या डिफरेंस होता है. तो अच्छे से मैंने उसको कर दिया है ब्लेंड एंड सेट कर दिया है. अब मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का कंसीलर जिसका शेड है रिच कोको, और ये कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ फेस कॉन्टोर के लिए. जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला कि पूरे जितने भी बेस होने वाला है उसमें मैं सिर्फ कंसीलर ही यूज़ करने वाली हूँ, तो कॉन्टोर के लिए भी मैं कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ. वैसे आप लोगों को मेरी आवाज़ कुछ बदली हुई लग रही होगी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, एंड अभी मैं ठीक हूँ वैसे. और मुझे नहीं चाहिए कि मतलब आप लोग डिमांड कर रहे थे कि वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं हुआ है नया वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम हियर विथ यू ऑल. सो नोज कॉन्टोर के लिए भी मैंने यही कंसीलर अप्लाई कर दिया है, एंड लिप पे भी मैंने यही कर दिया है क्योंकि लिप कॉन्टोर आप लोगों को पता है मैं मेरे हर वीडियो में करती हूँ. सो डेफिनेटली इस वीडियो में भी मैंने किया है. और आज की इस वीडियो में सबसे अमेजिंग पार्ट होने वाला है लिपस्टिक, क्योंकि मैं बोल्ड लिपस्टिक लगाने वाली हूँ. आप लोग सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे बोल्ड लिपस्टिक बताइए. सो आज की इस वीडियो में एकदम डार्क लिप शेड हम अप्लाई करने वाले हैं. इस वजह से मैंने आई मेकअप बहुत सटल रखा है इस वीडियो में. नेक्स्ट अगेन मैं दूसरा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि है एल्फ ब्रांड का, एंड इसका शेड है लाइट आइवरी.
और इसे सिर्फ मैं फेस हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। सो अच्छे से मैंने जहाँ पे भी फेस के हमारे फीचर्स होते हैं उसको मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अगेन मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, और क्यों यूज़ कर रही हूँ वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगी। अब हम इसको करेंगे सेट। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा आना बाकी है, जो कि आई मेकअप, क्योंकि आई मेकअप इतना इजी है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सब लोग कर पाओगे। और आई मेकअप के साथ साथ आज इस वीडियो में मैंने लाइनर का भी ट्यूटोरियल बहुत प्रॉपरली शूट किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग सब लाइनर का ट्यूटोरियल मांग रहे थे। सो लाइनर का वीडियो देखे भी ना कहीं मत जाइएगा। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं लूज़ पाउडर, और लूज़ पाउडर मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का पाउंड के। सो कॉन्टोर एरिया छोड़ के बाकी पूरे फेस पे। नाउ इट्स टाइम फॉर द आई मेकअप। अगेन मैं फेरारुशी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और उसे मैंने आईज पे अप्लाई कर दिया है। अभी तक तो आप लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे कि हमने कितने कंसीलर यूज़ किए। देखते हैं आप में से कितने लोगों ने एकदम ध्यान से वीडियो देखी है। सो ये मैंने अप्लाई कर दिया, अब मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक ऑरेंज कलर का आई शेडो, जो कि है बी यूनिका, और अप्लाई करना मैंने कर दिया है स्टार्ट। और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ आईज पे। जिस तरह से मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। और अभी जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। सेम दूसरे तरह आपको अगर ऑरेंज शेड नहीं लेना है तो आप लाइट ब्राउन कलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप पिंक कलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये पर्पल कलर का आई शेडो। ये थ्री डॉट टेक्निक आप लोगों को पता होगा, मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी आपको सिखाई थी, तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे भी। इससे सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपका आई शेडो का जो शेप है वो काफ़ी उठ के दिखेगा, आपको शेप में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो हमारा शेप खराब हो जाता है, हमारा आई शेडो आगे की तरफ बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये थ्री डॉट टेक्निक से आपका जो आई शेप है, आई शेडो का शेप है, वो बहुत अच्छे से दिखेगा। जिस तरह से मैंने इनर कॉर्नर पे एक डॉट, मिड में एक डॉट एंड आउटर कॉर्नर पे एक डॉट, और तीनों का आपको करना है कर। अच्छे से ऑरेंज और पर्पल को मैं कर रही हूँ ब्लैक। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ बर्गंडी वाइन कलर, आप बोल सकते हो वाइन कलर मैंने लिया है, ताकि हमारा जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा इंटेंस दिखे, डार्क दिखे, इस वजह से मैंने ये कलर लिया है। और इसको एग्जैक्ट मैंने मोस्टली क्रीज लाइन पे लगाया, और इसे पर्पल के साथ मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड, आप लोग देख सकते हो ब्लेंडिंग में तीनों कलर जो है हमारे विजिबल है। तो आप जब भी कोई भी कलर उठाओ आपका कलर जो है वो विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये बेज कलर या ऑफ वाइट कलर, दोनों थोड़ा सा मिक्स करके मैं ले रही हूँ, और बाकी के आई बॉल पे मैं अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। सेम दूसरे तरफ। नाउ इट्स टाइम फॉर लाइनर, आप लोग देख सकते हो मैंने एकदम जूम में लाइनर की वीडियो ली है, और जिस तरह से मैंने फॉलो की है गाइडलाइन आपको सेम वही तरीका यूज करना है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा लाइनर आज नहीं क्रिएट कर रही हूँ, मैंने एकदम शॉर्ट एंड सिंपल लाइनर क्रिएट किया है। अब जेल लाइनर के ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आई लाइनर, ताकि हमारा जेल लाइनर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। सेम दूसरे तरफ। अभी तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बाकी है, जो कि आईब्रो डिफाइनिंग, क्योंकि उसी के बाद हमारा फेस जो है वो और डिफाइन होके दिखता है। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ आईब्रो डिफाइनिंग, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्टेशिया का पोमेड, जिसका शेड है डार्क ब्राउन। सेम दूसरे तरफ। तब तक हम ये जान लेते हैं कि फिक्सिंग में और सेटिंग स्प्रे में क्या डिफरेंस होता है। फिक्सिंग स्प्रे से आप, फिक्सिंग स्प्रे जो होता है उसमें मेन जो होता है वो है ग्लिसरीन होता है। सो फिक्सिंग स्प्रे आप कोई भी स्टेप के बाद यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्राइमर के बाद, फाउंडेशन के बाद, कंसीलर के बाद। और सेटिंग स्प्रे में जो होता है अल्कोहल होता है मेन, सो उससे आपका मेकअप जो है कम्प्लीटली सेट हो जाता है। तो सेटिंग स्प्रे आपको मेकअप के एंड में डालना होता है। सो इस तरह से आपको दोनों यूज़ करने होते हैं।
नेक्स्ट मैंने लैशअप की लैशेस लगाई है जो कि काफ़ी नेचुरल है, मैंने आज बहुत बड़ी बड़ी लैशेस नहीं लगाई है। उसके बाद थोड़ा सा ब्लश ऑन, जो भी लूज पाउडर था वो मैंने निकाल दिया है, एंड मैं अगेन थोड़ा सा बेज कलर ले रही हूँ और आईज में मैं अभी ये शेड अप्लाई कर रही हूँ। आई शेडो को आप एज अ काजल यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अगर क्लाइंट की बहुत ज़्यादा वाटरी आईज है तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि वाटरी आईज पे हमारा आई शेडो स्टे नहीं करेगा। सो वाटरी आईज पे आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। लोअर लैश लाइन पे भी मैंने थोड़ा सा ब्लेंडिंग दे दिया है। इनर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा बेज कलर अप्लाई किया है ताकि और इंटेंसिव अच्छा लुक आए। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ यूरोबिल का हाइलाइटर एंड टू हाइलाइट द फेस फीचर्स। हाइलाइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेकअप। नोज ब्रिज, फॉरहेड, एवरीवेयर। नेक्स्ट बिंदी तो मैंने लगाई दी है ऑलरेडी। नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट पार्ट जो कि है लिपस्टिक। सो सबसे पहले मैं लिप लाइनिंग कर रही हूँ और लिप लाइनिंग के लिए आप चाहे तो कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये वैसे भी हाइड होने वाला है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये डार्क शेड जो कि है मेकओवर ब्रांड का, विच इज़ अ वाइन कलर। अच्छे से मैंने ये अप्लाई कर दी है लिपस्टिक, जो मेरी मॉडल की साड़ी के कलर से कम्प्लीटली मैच होता है ये लिप शेड और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सेटिंग स्प्रे। अच्छे से मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑन द फेस ताकि हमारा मेकअप जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। एंड वाटरप्रूफ मेकअप है सो डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई इट। सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट लुक होता है डन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये लुक एंड आप लोग सब रिक्रिएट करेंगे ये लुक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं जल्दी आऊँगी अच्छी आवाज़ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरी वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।